morning students welcome to my channel max classes students in this video we are going to solve a question number 16 from the exercise 17 a the chapter name is surface area and volumes a question is this a cylindrical container of radius 6 cm and height 15 cm is filled with ice cream aapke paas cylindrical container hai jiska radius आपको दिया हुआ है जो कि सिक्स सेंटीमीटर है और हाइट फिफ्टीन सेंटीमीटर है ओके okay? आपके पास में एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है इसका रेडियस आपको सिक्स सेंटीमीटर का दिया हुआ है और इसका जो हाइट है आपको ये फिफ्टीन सेंटीमीटर का दिया हुआ है ओके okay? अब आपको क्या करना है द होल आइसक्रीम हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू टेन चिल्ड्रन इन इक्वल कोन्स ओके आपको जो ये आइसक्रीम है इस जो कंटेनर में रखी हुई है ये आपको टेन चिल्ड्रंस को डिस्ट्रीब्यूट करनी है और टेन चिल्ड्रन को आप आइसक्रीम का कोन बना के आ, ये आइसक्रीम को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और जो आपका कोन का जो शेप है जो आप डिस्ट्रीब्यूट कर, कर रहे हैं वो क्या है इक्वल शेप में आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं ओके तो द होल आइसक्रीम हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू टेन चिल्ड्रन इन इक्वल कोन्स विथ हेमिसफेरिकल टॉप्स हेमिसफेरिकल उसमें क्या है टॉप बना हुआ है ओके okay? मतलब कि आपका जो आइसक्रीम का कोन जैसे नॉर्मली हम आइसक्रीम लेते हैं उस शेप का है उसके ऊपर हैमिस्पेरिकल टॉप है ओके इफ द हाइट ऑफ द कॉनिकल पोर्शन इज फोर टाइम्स द रेडियस ऑफ इट्स बेस जो आपका हाइट ऑफ द कॉनिकल पोर्शन है जो ये कोन का जो कोने हाइट है सपोज उसको हमने बोल दिया एच और वो क्या है हाइट ऑफ द कॉनिकल पोर्शन इज फोर टाइम्स द रेडियस ऑफ इट्स बेस और जो ये रेडियस का बेस का रेडियस सपोज आर है तो एच टू तो आपको कितना दिया है फोर आर दिया हुआ है अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा ये चीज़ें देन हमें क्या फाइंड आउट करना है देन हमें फाइंड आउट करना है रेडियस ऑफ द आइसक्रीम कौन हमें फाइंड आउट करना है तो लेट्स सी किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अभी आपके पास में ये सिलेंडिकल कंटेनर बना हुआ है सिक्स सेंटीमीटर उसका रेडियस है फिफ्टीन सेंटीमीटर उसकी हाइट दी हुई है हमने जो जो कौन हमने कंसिडर किया है आइसक्रीम कौन उसका हाइट को हमने बोला है एच और उसका जो रेडियस है उसे हमने बोला है आर ओके okay? अब हमें दिया हुआ क्या है कि एच इजिकोज टू फोर आर दिया हुआ है ये क्वेश्चन में मैंने अभी बताया आपको कि जो हाइट ऑफ द कोन है ये यह यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ द हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन इज फोर टाइम्स द रेडियस ऑफ इट्स बेस मतलब कि जो हाइट है वो क्या है फोर टाइम्स द रेडियस ऑफ द कोनिकल बेस है दैट मीन्स एच इज इक्ोज टू कितना हो जाएगा फोर आर हो जाएगा आपके पास में अब आपको क्या निकालना है हम पहले जो आपका कंटेनर है जो आपका सिलेंड्रिकल कंटेनर है जिसमें आइसक्रीम रखी हुई है उसमें हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं कि उसके अंदर कितनी आइसक्रीम रखी हुई है ओके ताकि हमें पता चल जाए कि आपके पास में इतनी आइसक्रीम है और इतनी आइसक्रीम को आपको क्या करना है टेन चिल्ड्रन को इक्वल कोन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है ओके तो सबसे पहले हमने क्या किया वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल कंटेनर निकाल लिया जो कि फॉर्मुला हम यूज़ करते हैं पाए आर स्क्वायर एच यहाँ पर हमने आर कैपिटल लिया है सिलेंडर के लिए और कैपिटल एच यूज़ किया है सिलेंडर की हाइट के लिए ओके जो ये इसका रेडियस है इसको कैपिटल आर बोला है और इसकी जो हाइट है इसको कैपिटल एच बोला है क्योंकि स्मॉल आर और स्मॉल एच हम यहाँ पे यूज़ कर चुके हैं ओके तो ये यह यहाँ पे हमारे पास में पाए आर स्क्वायर एच इस फॉर्मूले में का यूज़ करके हम जो कंटेनर के अंदर आइसक्रीम रखी है उसको वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे ओके तो पाए का वैल्यू ट्वेंटी टू बाई सेवन आर आपका सिक्स इंटू सिक्स दिया था और हाइट ऑफ द सिलेंडर फिफ्टीन दिया हुआ है ओके okay? आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे सिंपली मल्टीप्लाई करें सिक्स थर्टी सिक्स एंड थर्टी सिक्स इंटू फिफ्टीन और इंटू ट्वेंटी टू करें तो यू विल गेट वन वन डबल एट जीरो अपॉन में सेवन ओके कुछ भी डिवाइड नहीं किया है सिंपल मल्टीप्लीकेशन किया और सेवन को एज इट इज अपॉन में ही रखा हुआ है अभी फिलहाल नेक्स्ट हम क्या करेंगे अब हमें पता चल गया है कि कंटेनर के अंदर जो आपके पास में सिलेंड्रिकल कंटेनर था उसमें कितनी आइसक्रीम रखी हुई है इतनी आइसक्रीम रखी हुई है ओके okay? अब इस आइसक्रीम को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करना है तो अब आप जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आप कितने जो आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आप उसको किस शेप में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कॉनिकल शेप में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओके कॉनिकल शेप के कौन कौन में को फिल करके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओके okay? तो आपको नेक्स्ट में क्या फाइंड आउट करना है कि वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूटेड टू टेन चिल्ड्रन ओके आप कितनी आइसक्रीम टेन चिल्ड्रन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आप इतनी आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं टेन चिल्ड्रन को कि okay? आपके पास में इतनी आइसक्रीम है और आप इतनी आइसक्रीम को टेन चिल्ड्रन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ओके okay? तो वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूटेड टू टेन चिल्ड्रन इज इक्वल्स टू हाउ मच वन वन डबल एट जीरो अप में सेवन ओके सेंटीमीटर क्यूब आपका वॉल्यूम है तो हमने सेंटीमीटर क्यूब आपकी यूनिट लगाइए तो ये ये जो आइसक्रीम हम जब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ये किसके बराबर होगा टेन इंटू वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम कौन के बराबर होगा ओके ये हम ऐसा क्यों लिखा हमने क्योंकि हम यही आइसक्रीम जितनी आइसक्रीम आपके पास में थी इस कंटेनर के अंदर सिलेंड्रिकल कंटेनर के अंदर जितनी आइसक्रीम थी ये आपने किसको डिस्ट्रीब्यूट कर दी कौन बना के डिस्ट्रीब्यूट कर दी मतलब कि इसका जो वॉल्यूम है इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो टेन टाइम्स इस कौन के वॉल्यूम्स के बराबर है ओके okay. यहाँ पे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ कि यहाँ इस कंटेनर के अंदर स्टूडेंट्स जितनी भी आइसक्रीम फील्ड है ओके okay? इसको आप किस में ट्रांसफर कर रहे हो इस कॉन्स में ट्रांसफर कर रहे हो और कितने कोन हैं आपके पास में टेन कोन से तो यदि हम टेन uh, में टेन में वॉल्यूम ऑफ द कोन का मल्टीप्लाई कर दे वॉल्यूम ऑफ द कोन का मल्टीप्लाई कर दे तो वो किसके बराबर होना चाहिए वो तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर के बराबर होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर के बराबर होना चाहिए क्योंकि जो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर है दैट मीन जितनी इसके अंदर आइसक्रीम रखी हुई है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर वो हम किस में ट्रांसफर करें टेन कॉन्स में ट्रांसफर कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो टेन इंटू वी सी वी सी इज द कोन ओके वी सी ओ लिख देती हूँ सी ओ फॉर कॉन एंड सी वाई फॉर द सिलेंडर ओके तो टेन इंटू सी ओ तो वॉल्यूम ऑफ़ द कोन में हमने टेन का मल्टीप्लाई किया जिससे हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मिल जाएगा तो यहाँ पे हमने वही चीज लिखी है कि टेन इंटू वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम कोन इज इक्वल तो अब यहाँ पे टेन इंटू अब ये जो वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम कोन है जो आइसक्रीम कोन है वो किससे मिलके बना हुआ है आइसक्रीम ऑफ द कोन में भी आपके पास में दो शेप है ओके okay? एक तो आपके पास में कोनिकल शेप है और दूसरा उसके ऊपर आपके पास में हेमी बाउल टाइप बना हुआ है ओके okay? ऊपर से इस तरीके से आइसक्रीम का एक हेमिसफेरिकल शेप बना हुआ है तो आइसक्रीम का जो कोन है उस उसका जो वॉल्यूम होगा वो कैसा होगा टेन इंटू वॉल्यूम ऑफ द कोन क्योंकि कोन है उसमें और वॉल्यूम ऑफ द हमिस्फियर क्योंकि हेमिसफेयर आपका टॉप में बना हुआ है इस तरीके से टॉप तो में आइसक्रीम के कोन बना हुआ है ओके तो टेन इंटू वॉल्यूम ऑफ द कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिसफियर इज इक्वल्स टू इतना हो जाएगा आपके पास में ओके यहाँ पे यही चीज़ मैंने रिपीट की हुई है यहाँ से आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं ओके वॉल्यूम ऑफ द कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिसफियर यहाँ पे हम सिंपली फॉर्मूला पुट करेंगे वॉल्यूम ऑफ द कोन और हेमिसफियर का तो क्या हो जाएगा टें तो एज इट इज और वॉल्यूम ऑफ द कोन कितना होता है दिस इज द वी सी ओ वॉल्यूम ऑफ द कोन ओके एंड कौन सी ओ एन ई करके पूरा लिख दे भले आप और टू बाई थ्री पाई क्यूब पाईआर क्यूब क्या है आपका ये तो है आपका वॉल्यूम ऑफ द हेमिसफियर हैमिस्फियर ओके हेमिसफेरिकल जो शेप है आपका उसका वॉल्यूम है टू बाय थ्री पाई आर क्यूब इज टू इतना आपके पास में दिया हुआ था अब यहाँ पे आपका टेन इंटू वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर और एच कितना था स्टूडेंट्स एच का वैल्यू कितना था फोर आर तो एच की जगह पे हमने यहाँ पे फोर आर पुट कर दिया प्लस टू बाई थ्री पाई आर क्यूब एज इट इज और ये भी आपका एज इट इज चल रहा है टेन भी आपका सेम चल ही रहा है यहाँ पे अब यहाँ पे आप जब देखेंगे तो कितना हो जाएगा फोर को हमने आगे दे दिया फोर बाय थ्री पाई आर क्यूब हो गया आर इन टू आर आर क्यूब हो गया तो फोर बाय थ्री आर क्यूब और हेयर यहाँ पे टू बाई थ्री आर क्यूब इजिक्वल टू ये भी सेम है यहाँ पे अब फोर बाय थ्री प्लस टू बाई थ्री क्यूब को आप जब एड uh, करेंगे ओके okay, ब्रेस तो सेम ही है तो फोर प्लस टू सिक्स तो सिक्स बाय थ्री हो जाएगा और पाईआर क्यूब हो जाएगा सिंपली क्या किया आपने यहाँ पे आपका कंफ्यूजन लग रहा हो तो पाईआर क्यूब क्या कर लिया हमने इन दोनों में से कॉमन दे दिया और अंदर कितना बचा फोर बाय थ्री फोर बाय थ्री बचा आपके पास में प्लस यहाँ से कितना बचा टू बाई थ्री बचा हुआ है तो फोर बाय थ्री प्लस टू बाई थ्री जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा सिक्स बाय थ्री तो अल्टीमेटली कितना हो सिक्स बाय थ्री पाई क्यूब मिलेगा आपको तो टेन इंटू सिक्स बाय थ्री पाई क्यूब इज टू ये हो जाएगा आपके पास में अब यहाँ पे हम वैल्यू अप करना स्टार्ट करते हैं टेन एज इट इज और सिक्स बाय थ्री को आपने कर दिया टू थ्री टू 6 कर दिया पाई का वैल्यू ट्वेंटी टू सेवन और आर क्यूब एज इट इज और ये भी आपके पास में सेम है अब हम क्या करेंगे यहाँ पे जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यू है इसको हम क्या करेंगे इस तरफ लेके जाने की कोशिश करेंगे ताकि हम कुछ कैंसिल आउट चीज़ें कर पाएं ओके यहाँ पे भी मैंने सेम चीज़ नोट डाउन करिए यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करें और यहाँ से आप नोट डाउन कर लें ओके नेक्स्ट हमने क्या किया ये टेन इंटू टू इंटू ट्वेंटी टू बाई सेवन आर क्यूब इजिकोर्स टू ये था हमारे पास में तो हमें आर क्यूब का वैल्यू निकालना है तो ये जो सेवन है यहाँ पे डिवाइड में था तो इस तरफ जाके क्या जाएगा मल्टीप्लीकेशन में जाएगा ओके तो आपके पास में यहाँ पे सेवन मल्टीप्लीकेशन में गया और टेन टू और ट्वेंटी टू ये टेन टू और ट्वेंटी टू यहाँ पे क्या होगा डिवाइड में जाएगा ओके और ये वाला सेवन जो था ये आपका सेवन एज इट इज़ यहाँ पे रखा हुआ है ये सेवन से सेवन कट जाएगा और ये जीरो से ज़ीरो कट गया आपके पास में वन वन डबल एट बचा है और ट्वेंटी टू बचा है और टू बचा है आप इसे इलेवन के टेबल से भी कट कर सकते हैं इलेवन टू जी ट्वेंटी टू एलेवन वन इलेवन ज़ीरो और एलेवन एट ज़ा एटी एट वन जीरो एट और वन जीरो एट को भी आप टू के टेबल से कट कर सकते हैं टू फाइव ज़ा टेन एंड टू फोर ज़ा एट एंड टू के टेबल से अगेन कट करें तो आपके पास में आ जाएगा ट्वेंटी सेवन तो आर की बेसिक ट्वेंटी सेवन आ गया अब आर का आपको क्या ट्वेंटी सेवन का आपको क्या लेना है क्यूब रूट लेना है और क्यूब रूट क्या होता है ट्वेंटी सेवन का थ्री होता है ये तो हम सभी को पता है हम एट्थ क्लास में पढ़ चुके हैं ओके okay, तो यहाँ पे हमारे पास में रेडियस ऑफ द जो कोन था आइसक्रीम कोन था वो थ्री सेंटीमीटर निकल के आया सो so यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है स्टिल स्टूडेंट्स यदि आपको इस क्वेश्चन में डाउट लग रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं ओके okay? अब मैं आपको जो भी डाउट्स है आप मुझे कॉमेंट करें मैं इन डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी स्टूडेंट्स लेकिन यदि आपके बल्क में डाउट्स आते हैं आप एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन के डाउट्स पूछते हैं तो मैं उनका जवाब एक साथ नहीं दे पाती हूँ पर मैं आपको ये एश्योरेंस देना चाहूँगी कि आपके जो भी डाउट्स हैं धीरे धीरे करके अपलोड कर दूंगी ओके अभी तक जितने भी वीडियोज़ अपलोड हुए हैं आप जब तक उन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि एग्ज़ाम में अगर वो क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए ओके क्योंकि मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन जो कि सी में पूछे हुए हैं एक्सरसाइज से अपलोड कर दिए हैं आप वही क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करें तब तक एग्जाम्पल सॉल्व करें तब और उन्हें की अच्छे से प्रैक्टिस करें इसी बीच में मैं आपको नए वीडियोस भी अपलोड करती रहूँगी इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको जब भी मैं नए वीडियोस अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए ओके सो स्टूडेंट्स स्टे कनेक्टेड विथ अस थैंक यू वेरी मच